हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टाटा पावर लिमिटेड के बारे में। टाटा पावर में यहाँ पे कहीं ना कहीं बड़ी गिरावट की सिचुएशन पिछले 2 दिन में देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि टाटा पावर ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। 260 के आसपास पहुंच चुका था, 250 का लेवल तोड़ दिया था जो कि एक रेजिस्टेंस था, परंतु वहाँ पे जाकर फिर से यहाँ पे जो ब्रेकडाउन है वो फेल होता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ पे कल की बात करें तो कल बड़ी गिरावट टाटा पावर में देखने को मिली है। कल की सिचुएशन पहले तो बताऊँ तो टाटा पावर की क्लोजिंग यहाँ पे देखें 231 रुपए के आसपास हुई है, 10 रुपए डाउन, 4% की भयंकर गिरावट की सिचुएशन टाटा पावर में नजर आई थी। और पिछले 5 दिनों की बात करें तो 5 दिनों में टाटा पावर में लगभग लगभग मान करके चलिए, यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि 8% से ज्यादा की गिरावट हो चुकी है। हालांकि 1 महीने में यहाँ पे टाटा पावर 2.5% डाउन है, पिछले 6 महीने में 73% के रिटर्न, और पिछले 1 साल की बात करूँ तो 165% के रिटर्न टाटा पावर ने दिए थे। परंतु पिछला यहाँ पे जो वीक है वो अच्छा नहीं बीता था, बहुत बढ़िया Q3 के नंबर के बावजूद भी टाटा पावर में बिकवाली का दौर देखने को मिला था। 3 खबरें हैं, पहले तो वो आपके सामने डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहली खबर यहाँ पे मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, HDFC सिक्योरिटी के द्वारा यहाँ पे Q3 के नंबर के बाद टाटा पावर का टारगेट दिया जा रहा है 258 रुपये के आसपास, जो कि वो हिट करके भी आ गया। और 260 के आसपास से ही जैसे मैंने बताया टाटा पावर में बिकवाली चालू हुई है। यहाँ पे बात करें और एक ब्रोकर है शेयर खान की, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं और ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहे हैं। 275 का टारगेट बाय की रेटिंग टाटा पावर में देते हुए नजर आ रहा है। ये ब्रोकरेज हाउसेज के टारगेट देखोगे तो जो करंट मार्केट प्राइस है उससे इतनी ज़्यादा कोई बहुत बड़ी अपसाइड यहाँ से नहीं दिखाई दे रही, वो जो मार्केट प्राइस चल रही उसके आसपास के ही टारगेट यहाँ पे ब्रोकरेज हाउसेज देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे का कारण यहाँ पे बताया गया कि टाटा पावर के Q3 का रिजल्ट तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, परंतु वैल्यूएशन भी जो टाटा पावर का है वो एक्सपेंसिव नज़र आ रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि ब्रोकरेज जब टारगेट भले बाई का दे रहे हैं, रेटिंग भले बाई का दे रहे हैं, परंतु टारगेट इतना ऊपर नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि टाटा पावर ऑलरेडी हायर वैल्यूएशन कमांड करके बैठा हुआ है। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे टाटा पावर 250 रुपये, 260 रुपये, 240 रुपये लेके रखा है। टाटा पावर को ओरिजिनल बाय करने का जो समय था वो 100 के बिलो था, काफ़ी समय वो रहा भी था, तो जिन लोगों ने वहाँ पे बाय करके रखा है उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, पैसे डबल से भी ज़्यादा है, परंतु हायर लेवल पे जो लेकर के बैठे हैं उनके लिए अभी समस्या आती हुई दिखाई दे रही है। NSE की वेबसाइट पर लेके जाना चाहूँगा, टाटा पावर की सिचुएशन किस तरह की है वो बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देख सकते हो 231 के आसपास क्लोजिंग है, प्रीवियस क्लोजिंग 241, ओपन 240, हाई 242, और लो की बात करें 230, HSL क्लोजिंग प्राइस की बात करें 232 के आसपास नजर आ रही है। जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है टाटा पावर में 3.60 करोड़ शेयर की, 1.05 करोड़ शेयर की डिलीवरी, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 29% के आसपास की टाटा पावर में नजर आई थी। टिकट ऐप की वेबसाइट पे लेके जाना चाहूंगा, टाटा पावर की यहाँ पे ऊपर ब्रोकरेज की क्या राय है वो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे वीडियो के साथ बने रहे, टिकट की वेबसाइट पे लेके आए। और यहाँ पे देखिए टाटा पावर को 20 एनालिस्ट कवर कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे टाटा पावर पे, जिसमें से 40% एनालिस्ट इसमें बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। टारगेट प्राइस भी आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा कि टारगेट प्राइस किस तरह के बताए जा रहे हैं। 232 रुपये के आसपास करंट मार्केट प्राइस आपको दिखाई दे रही है, उससे यहाँ पे बात करें हायर साइड जो टारगेट तो 280 का नजर आ रहा है, मतलब कि 21% के आसपास की अपसाइड यहाँ पे दिखाई दे रही है। टारगेट का जो मीडियन निकल कर क्या आ रहा है वो 189 बताया जा रहा है, मतलब कि 18% की डाउन साइड बताई जा रही है। और लोअर साइड जो टारगेट बताया जा रहा है वो 97, मतलब कि 58% की डाउन साइड बताई जा रही है। तो इंटरेस्टिंग यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिल रही है टाटा पावर में। पहले जाके यहाँ पे किस लेवल पे बाइंग की बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है वो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे आपको लेकर के आया हूँ। यहाँ पे देखिए टाटा पावर में बढ़िया तेजी थी और इसके बाद कंटिन्यूसली रेंज में आउट देखने को मिल रहा है, और अभी अभी 260 का लेवल अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी, जो कि यहाँ पे पहले 250 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। यहाँ पे सबको लग रहा था कि ब्रेकआउट आ गया, परंतु ब्रेकआउट यहाँ पे कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आया है। अभी देखें टाटा पावर में नीचे की तरफ मुझे लगता है 225 से लेकर 220 के आसपास बढ़िया सपोर्ट है। जी हाँ, 220 के आसपास बढ़िया सपोर्ट है। अगर ए लेवल तोड़ देता है तो टाटा पावर आपको 195 टू
200 का जो जोन है वहां पे लुढ़कता हुआ डेफिनेटली दिखाई देगा। और यहाँ पे जो लेवल है वो मेरे ख्याल से बाइंग की बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। मैं पर्सनली बात करूँ तो 195 के लेवल का वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे आते के बाद ही मैं बाई करूंगा। भले ही टाटा पावर यहाँ से 500 चला जाए, मैं खुद यहाँ से बाइंग नहीं करने वाला। 195 के लेवल के आसपास मैं खुद और यहाँ पे आपको भी बाइंग की सलाह दे रहा हूँ। पर इससे पहले आपको अपनी स्टडी करनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी है और इसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेने की कोशिश करनी है। आरएसए का लेवल 44 के आसपास है, तो मिड टेरिटरी के आसपास आरएसए का लेवल नजर आ रहा है। तो दोस्तों मेरी डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं, अपनी स्टडी करने के बाद ही यहाँ पे फाइनल डिसीजन लेने की कोशिश करनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाना है, चैनल पे नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।